हरियाणा विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राजनीतिक दल जी जान से विधानसभा चुनाव में पसीना बहा रहे हैं और लोगों के बीच जाकर न सिर्फ उनकी समस्या सुन रहे हैं बल्कि अपनी पार्टी की नीतियों को भी उनके बीच में रख रहे हैं। कांग्रेस नेता श्याम सुंदर बत्रा ने यमुनानगर के एक निजी पैलेस में वर्कर मीटिंग ली और आने वाले विधानसभा चुनाव में वर्करों में जोश भरा। ये हल्का यमुनानगर की कार्यकर्ता मीटिंग थी और इसमें सभी हल्का यमुनानगर के कार्यकर्ताओं ने भारी उत्साह और जोश के साथ इसमें भाग लिया। और जैसा कि पिछले चुनाव में आपने देखा, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अच्छी जीत मिली, अम्बाड़ा लोकसभा से वरुण चौधरी जी की और सिरसा से कुमारी शैलजा जी की भारी बहुमत से जो जीत हुई उसके लिए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया गया, सबको बधाई दी गई और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सबको तैयार रहने के लिए, सबको काम करने के लिए कहा गया। और जैसा कि आज ही पता लगा था कि कुमारी शैलजा जी द्वारा अर्बन एरिया में पद यात्रा निकाली जाएगी, उसके लिए भी सभी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि जब भी हमारे यमुनानगर जगाधरी या आसपास जहाँ भी पद यात्रा आए, सभी कार्यकर्ता भारी हर्षोल्लास के साथ उसमें हिस्सा लें, कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार करें और ये भाजपा की गूंगी बैरी गंदी सरकार को हरियाणा से चलदा करें। अपनी सरकार, अच्छी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, जनहितैषी सरकार को बनाने का काम करें। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, ये सब नज़र आ रहा है और लोगों का रुझान है कांग्रेस की तरफ। और सबसे बड़ी बात कि भाजपा की नीतियाँ गलत हैं, भाजपा ने लोगों को तंग कर रखा है, चाहे तो प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे या परिवार पहचान पत्र के नाम पे या बुजुर्ग हमारे पेंशन के लिए धक्के खा रहे हैं और ये पोर्टल पोर्टल खेलते हैं। कभी इनकी साइट बंद है, कभी इनका साइट चलाने वाला बंद है, इनके प्लाटों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, नालियों में कचरा फंसा हुआ है, कोई पानी की निकासी नहीं। आपने पीछे देखा कि पानी के जल भराव हो गया नालियाँ चौक होने की वजह से, बाद में फिर दहने बाएँ भागते हैं, पहले जो उसका पैसा होता है सफाई का उसमें बंदर बांट करते हैं, कुछ निगम के लोग खा गए, कुछ सरकार के लोग खा गए और जनता परेशानी में दुखी हो रही है।